जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल अल्फा हिम में। आज एक हम बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, भारत सरकार की कुछ एजेंसीज हैं जो कि सरकारी नौकरी देने का काम करती हैं, तो वो क्या कर रही हैं, वो पिछले कुछ टाइम से हम लोग के साथ, आप लोग के साथ एक धोखाधड़ी का काम कर रही हैं, चीटिंग कर रही हैं। क्या चीट कर रहे हैं? जैसे कि हम दो बात करेंगे, एक रेलवे एक एसएससी, दो एजेंसीज के बारे में बात करेंगे। एसएससी तो पूरी तरह से एक स्कैम चला रहा है। एक्चुअल में क्या हो रहा है, एसएससी नोटिफिकेशन दे रहा है, एग्ज़ाम्स डेट नहीं दे रहा है, बस नोटिफिकेशन दे रहा है, एग्ज़ाम्स डेट नहीं दे रहा है। एग्ज़ाम्स ले रहा है तो एग्ज़ाम्स को रिजल्ट नहीं डिक्लेयर कर रहा है। मतलब कि एक नॉर्मल यूथ के लिए बहुत ही ज़्यादा आजकल कठिन होते जा रहा है कि एक सरकारी नौकरी वो पा सके। जो लोग, आप में से बहुत सारे लोग रेलवे का फॉर्म भरे होंगे, आरआरबी एनटीपीसी का, अप्रॉक्स 2.8 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा, ठीक है। 501% से पैसा लिया गया और टोटल 1140 करोड़ रुपीस सरकार ने जमा किए उस फॉर्म के पैसे से। और अभी तक 1.5 साल हो गए, बट उस एग्ज़ाम का कोई भी अभी तक अपडेट नहीं आया। कब होगा एग्ज़ाम, कब मिलेंगे एडमिट कार्ड्स? बहुत सारे युवा जो हैं वो तैयारी में लगे हुए हैं, बहुत सारे युवा तैयारी कर रहे हैं, बट उनको कोई भी रिस्पांस नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से। वो बस अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, एक आशा ऑप्टिमिस्टिक टाइप देख के चल रहे हैं कि अब होगा एग्ज़ाम, अब होगा, बट एग्ज़ाम होने का कोई नामो निशान नहीं। और एसएससी क्या कर रहा है, ऐसे अगर हम नॉर्मल सिलेक्शन प्रोसेस देखें तो 1 साल लगता है। एग्ज़ाम हुआ, टायर वन हुआ, फिर रिज़ल्ट आया, टायर टू हुआ, 3 मंथ्स बाद फिर रिज़ल्ट आया, फिर टायर थ्री हुआ, फिर रिज़ल्ट आया अगेन, फिर टायर फोर होके फिर फाइनल रिज़ल्ट मेरिट लिस्ट आती है। तो इस पूरे प्रोसेस में 1 ईयर लगता है। बट एसएससी क्या करता है, एसएससी अगर 2018 में फॉर्म निकाला तो उसका अभी तक 2020 तक अभी ज्वाइनिंग नहीं है बहुत सारे लोगों की। 2019 में जिन्होंने एग्ज़ाम्स दिए हैं उनका भी अभी तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। एसएससी की बात करें तो दो दो चार चार साल लग जा रहे हैं एक एक जो जॉब निकली है उसको ज्वाइनिंग दिलाने में। जो 2018 का एग्ज़ाम पास करके बैठे हैं उनको अभी तक जॉब ज्वाइनिंग नहीं मिली। जो 2019 का एग्ज़ाम टायर वन टायर टू दे रखे हैं, टायर थ्री दे रखे हैं, उनका भी टायर थ्री का रिज़ल्ट नहीं आया, एक एक साल हो गए। उसके अलावा अगर हम बात करें तो गाइज, ये पूरी जो एसएससी की बॉडी है उसको पूरी तरह से रिफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरह से स्कैम चला रही है। इन्होंने बस यूथ के फ्यूचर के साथ एक मजाक बना के रखा है। बहुत सारे यूथ जो एम्बिशियस होकर तैयारी करते हैं, जो कुछ सोचते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, उनके साथ एक बस खेल खेला जा रहा है। उन जब भी यूथ अगर एकदम अपने एक्सट्रीम पे आता है तो क्या करते हैं ये लोग, एक नोटिफिकेशन निकाल देंगे, एक जॉब वैकेंसी निकाल देंगे, लोग फॉर्म भर देंगे, उसके बाद ना कोई डेट ना कोई एग्ज़ाम, अगर एग्ज़ाम हो भी गया तो पता नहीं रिजल्ट कब आएगा, कब ज्वाइनिंग होगी। ये एक बहुत ही वर्स्ट कंडीशन चल रही है एसएससी और रेलवे में। अब हम बात करते हैं कि क्या आप जेई का एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवा रहे हैं? क्या आप नीट का एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवा रहे हैं? क्या आप यूपीएससी ने अपने इंटरव्यूज़ नहीं कंडक्ट कराए? यूपीएससी ने अपने फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं डिक्लेयर की? यूपीएससी ने की, जेई करा रहा है एग्ज़ाम, नीट का एग्ज़ाम हो रहा है, तो आप लोग को क्या कराने में प्रॉब्लम है? अगर आप लोग नहीं अभी करा सकते, ठीक है, आई एग्री कि अभी इतने सारे लोगों का एग्ज़ाम कराना पॉसिबल नहीं हो सकता है, थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट आप एक उनको टेंटेटिव डेट तो दीजिए कि इस दिन आपका एग्ज़ाम होगा, 100% होगा, श्योरिटी तो दीजिए उस चीज़ की, तभी तो यूथ उस हिसाब से मेहनत करेगा। अच्छा, अब आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग सिर्फ यूथ के फ्यूचर के साथ बस खेले जा रहे हैं, खेले जा रहे हैं। तो आप में से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ट्विटर में जाइए, ये दो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे हैशटैग्स, इन हैशटैग्स को आप ट्विटर में ट्वीट कीजिए और अपने जो भी लिखना है वो लिखिए। और दूसरी चीज़, कमेंट में भी यही दोनों हैशटैग्स को ट्वीट कीजिए, ताकि गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट की निगरानी इस पर पड़े, वो देखे और जल्दी से जल्दी इसका अच्छा रिस्पांस मिले आप लोग को, क्योंकि बहुत सारे यूथ का फ्यूचर अंधेरे में जा रहा है। इसलिए आपकी मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसे ट्वीट करें, इसको हम गवर्नमेंट तक पहुंचाएं, ताकि जो गवर्नमेंट के मेन ऑफिशियल्स हैं वो देखें इसे और कुछ एक्शन ज़रूर लें। सो गाइज़,
आज की वीडियो हम इतनी रखते हैं, बस आपसे जो मैंने बोला है वो करिए, और हाँ वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आपने एग्जाम रेलवे का फॉर्म नहीं भरा है, एसएससी का फॉर्म नहीं भरा है, कोई बात नहीं, पर आप ट्वीट कीजिए क्योंकि किसी ने तो भरा होगा। आखिर उनका फ्यूचर बचाने के लिए आप एक बस ट्वीट करना है, वो ट्वीट करने में आपको मुश्किल से 2 मिनट लगेगा। दूसरी चीज़ कमेंट करने में आपको 1 मिनट लगेगा, तो प्लीज़ आप इतना टाइम निकाल के कमेंट करिए, ट्वीट कीजिए और वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। और हाँ तैयारी करते रहिए और एग्ज़ाम हम करवा के रहेंगे।